यहाँ पर आप कहोगे कि आपने तो अभी चौथे के बारे में बताया, वहाँ पर चौथे के बारे में बताने का मतलब क्या है कि रोम का जो है वो पतन हो गया, अब रोम की हुकूमत जो पूरे विश्व के ऊपर थी वो समाप्त हो गई है, पश्चिमी रोम की जो हुकूमत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंड जिसमें से हम दूसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेरणी 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने सीखा था स्मुर्ना की कलीसिया के विषय में और स्मुर्ना की कलीसिया का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 11वां पद से हमने सीखा था, दूसरी मृत्यु के बारे में हमने सीखा था। परंतु आज हम सीखेंगे पिरगमन की कलीसिया के बारे में और पिरगमन की कलीसिया का ये पहला भाग है। यदि आप पिरगमन की कलीसिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बाइबल से आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12 पद से लेकर 17 पद तक, आप उसमें देख सकते हैं कि पिरगमन की कलीसिया के बारे में क्या लिखा है। पिरगमन की कलीसिया का परिचय, जैसा कि हमने बताया आपको, पहले भी बता चुके हैं कि पिरगमन की कलीसिया यानी 7 कलीसियाओं की हमने रूपरेखा तैयार कर रखी है और उस रूपरेखा के जो पॉइंट बनाए हैं तो इसका जो पहला पॉइंट है पिरगमन की कलीसिया का परिचय। परिचय का मतलब होता है इतिहास। देखिए, किसी भी चर्च का इतिहास जानना जरूरी है या किसी का भी इतिहास जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि ये पिरगमन की कलीसिया कहाँ पर है, किस तरीके से बनी, कैसे लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, किधर के लोग हैं, ये सारी चीजें होना चाहिए। अब हम लोग कह देते हैं कि ये एशिया की 7 कलीसिया है। अब एशिया तो बहुत बड़ा है, जैसे मैं पिछले संदेश में भी बता चुका हूं कि एशिया में लगभग 48 देश आते हैं। अब 48 देशों में से कौन सा देश है? तुर्की। अब तुर्की भी बहुत बड़ा है, जैसे हम पिछले संदेश में बता चुके हैं कि उसके 2 भाग है, एक यूरोप में जाता है और एक एशिया में जाता है। तो ये एशिया की जो है ये कलीसिया है और इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए, पिरगमन की कलीसिया का परिचय अर्थात इतिहास जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इतिहास में है उसके बारे में। पिरगमन पुरानी राजधानी मेसिया से लगभग 15 मील की दूरी पर केकस घाटी में स्थित एक शहर है। देखिए, वो एक शहर है और बहुत अच्छा शहर है। पिरगमन शहर एक महत्वपूर्ण शहर बना है और दूसरी और तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व ये बहुत इसका महत्व था। जी हाँ, दूसरी और तीसरी शताब्दी की जब हम बात करेंगे तो ये शहर जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका जो दौर चला है, जो समय काल रहा है, हेलेनिस्टिक काल के दौरान ये एक यूनानी राज था। जी हाँ, एक यूनानी राज था और इसका जो पश्चिमी हिस्सा तक जो था, इन्होंने एशिया माइनर से लेके इसके पश्चिमी हिस्से तक शासन किया था। इसके शासन काल का जो समय रहा है 282 बीसी से 129 बीसी तक रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इतना लंबा जो समय काल रहा है, इस समय काल में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से सम्राट हुए, कैसे हुए, किस तरीके से हुए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर उस समय में मसीहों की स्थिति क्या थी। देखिए, इतिहास जानने का मतलब क्या है कि उस समय मसीहों की स्थिति क्या थी और ये स्थिति हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं है तब तक हमें उस दौरान जो है वो जो समय काल रहा है, वो जो समय रहा है, उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि मसीहों की स्थिति क्या रही है। 133 बीसी में अटलस तीसरा जो था ने पिरगमन राज को रोमन साम्राज्य को सौंप दिया था। किसने सौंप दिया था? रोमन पिरगमन राज पर उसने राज किया है। इन लोगों ने क्या, यह भी बता चुके हैं कि उसने क्या करा कि अटलस तीसरा जो था उसने 133 बीसी में पिरगमन राज को रोमन साम्राज्य को सौंप दिया था। अब 129 बीसी में यूमेनस अरिस्टोनिकस की हार के बाद एशिया को रोमन प्रांत में शामिल किया। किसको? एशिया को रोमन प्रांत में शामिल किया। और सीधी सी बात है, जब एशिया रोमन प्रांत में शामिल हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पिरगमन भी रोमन प्रांत में शामिल हो गया है। अब यहां पर जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसमें पिरगमन को प्रांतीय राजधानी बनाकर उसे प्रोसिम
सुल का निवास स्थान बनाया गया। ये पिरगमन का जो एक संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा इतिहास मैंने आपको दिया है, और पिरगमन का जो समय काल रहा है 313 एडी से लेकर 538 एडी तक रहा है। अब ध्यान देने की बात है, इसका जो हम समय काल की बात करते हैं, इसका जो दूसरा पॉइंट है उस समय की बात हम करते हैं। अब इस रोमन साम्राज्य में जो रहा है इसके बारे में, अब इतना लंबा यानी 313 एडी से लेकर और 538 एडी तक बहुत से राजा हुए होंगे, अब उन राजाओं का जो शासन काल रहा है उनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी रहा है कि पिरगमन के जो मसीही लोग थे, जहां पर वो सताव हो रहा है, जहां पर वो परेशानी में पड़े हैं, तो किन किन राजाओं के दौरान रहा है, रोम के राजाओं के दौरान जो है वो कैसा रहा है। 306 एडी से लेकर 337 एडी तक जो था कॉन्स्टेंटाइन वन जो था उसका राज था, जिसने 313 एडी में मसीही लोगों को स्वतंत्रता देती थी। किस बात की स्वतंत्रता दे दी थी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म की प्रेजन वर्शिप कर सकते हैं, आप अपने जो आपका खुदा है जिसको आप मान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उसकी आराधना कर सकते हैं। ये उसने ये स्वतंत्रता जो थी, ये धार्मिक स्वतंत्रता जो थी वो मसीही समाज को मिल चुकी थी। यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन उसका थोड़ा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। इसका जन्म 27 फरवरी 272 एडी में हुआ और इसने जो राज किया है 25 जुलाई 306 एडी से लेकर 22 मई 337 एडी तक इसने राज किया है, और इसकी मृत्यु जो हुई है 22 मई 337 एडी में इसकी मृत्यु हो चुकी थी, और ये 31 वर्ष तक इसने राज किया है। कॉन्स्टेंटाइन का मैंने थोड़ा सा परिचय इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो है पिरगमन की इसी से होती है, और इसने किस तरीके से कार्य किया वो मैंने आपको बताया। अब जरा चौथा जो है, जरा थोड़ा सा चौथे के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा ध्यान करिएगा कि चौथे के बारे में बातचीत क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर जो है जब हम चौथे सम्राट की बात करेंगे तो यहां से रोम का जो होता है पतन शुरू हो जाता है, यानी रोम का पतन हो जाता है, पश्चिमी रोम का जो है वो पतन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है उसका राज। 475 एडी से लेकर 476 एडी तक रोमुलस अगस्तुस जो था उसने 4 सितंबर 476 एडी में रोमुलस अगस्तुस जो था पश्चिमी रोम का अंतिम सम्राट था, पश्चिमी रोम की बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी रोम का अंतिम सम्राट था, और उसने ओडोयासर को अपना ताज सौंप दिया था। इस प्रकार 476 एडी में पश्चिमी रोम का पतन हो गया। यानी रोम देखिए, जहां तक इतिहास की बात है, कुर्ता की बात है, कहीं का भी भाग हो रोम का, उन्होंने कुर्ता जो है इस पृथ्वी पर बहुत किया, परंतु सबसे ज्यादा जो इतिहास में वर्णन आया है वो पश्चिमी रोम के बारे में आया है। इसलिए मैं इसको आपको बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं कि पिरगमन जो था, पिरगमन के जो लोग थे, पिरगमन के समय के जो लोग थे, जो कलीसिया थी उस, वो किस तरीके से मतलब उनके अधीन थी और किन दौर से, किन दौरों से वो गुजर रही थी, ये समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति को, कि किस मानसिक स्थिति में वो प्रभु पे विश्वास करते हुए बढ़ रहे हैं आगे, और उस राज को और उस जीवन के मुकुट को वो पाने के लिए कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है, जो मुझे और आपको आज नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग जरा सी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हाय तौबा मचा देते हैं, मगर सोचिए पिरगमन की कलीसिया किन के हाथ में, एक कुर शासकों के हाथ में है। यहां पर पांचवा मैं यहां पर एक पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा, 527 एडी से लेकर 565 एडी तक जो है जस्टिनियन जो फर्स्ट रहा है, ये रहा है, ये क्या है इसका, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बाइजेंटाइन साम्राज्य का जो है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात हो रही है यहां पर, 527 एडी से लेकर 565 तक शासन करता रहा, और इसका जन्म जो है 11 मई 483 में हुआ और 529 एडी से लेकर 532 तक इसने फारस के साथ युद्ध करता रहा, एक बड़ा लंबा युद्ध इसका रहा है, और यह विजय भी हुआ, यह विजय भी हुआ, और पिरगमन पर रोम का अंतिम सम्राट जो था वो यही था। देखिए यहां पर आप कहोगे कि आपने तो अभी चौथे के बारे में बताया,
वहां पर चौथे के बारे में बताने का मतलब क्या है कि रोम का जो है वो पतन हो गया, अब रोम की हुकूमत जो पूरे विश्व के ऊपर थी वो समाप्त हो गई है, पश्चिमी रोम की जो हुकूमत है। परंतु यहां पर जो है जो एशिया का कुछ भाग है या एशिया का और यूरोप का जो भाग है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि ये उस समय तक इसने राज किया और अंतिम सम्राट जो था ये रहा, फिर उसका बिल्कुल ही रोम का जो था पतन हो चुका है यहां पर है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट का मतलब क्या होता है कि प्रगमन का जो दूसरा पॉइंट है, जैसे हमने अभी कहा कि दूसरा पॉइंट समय काल रहा है, वो समय काल हमने बताया कि वो राजाओं का किस तरीके से रहा है, परंतु प्रगमन की जब रूपरेखा तैयार करते हैं तो परिचय के बाद और इतिहास के बाद जो आता है वो आता है प्रगमन के नाम का अर्थ। और नाम का अर्थ जो है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? देखिए, आपका अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बहुतों के नाम चेंज करे हैं, बहुतों के नाम बदले हैं और बाइबल में बहुतों के नाम के अर्थ दिए गए हैं। क्यों अर्थ दिए गए हैं? क्योंकि उस अर्थ का जो है वो अपना एक मायने रखता है कि परमेश्वर ने उस अर्थ के अनुसार लोगों तक जो है ब्लेसिंग्स पहुंचाई है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं अब्राम को, उसका नाम अब्राम था और उसने कहा कि आपसे तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब क्या है? अब्राहम का मतलब होता है उन्नत पिता, यानी खुद की उन्नति, और अब्राहम का मतलब होता है यानी बहुतों की जो है उन्नति, यानी वो विश्वासियों का पिता कहलाया और बहुत से लोगों के विश्वास का वो पिता बना है, इसलिए उसका नाम चेंज करा। परमेश्वर ने याकूब का भी नाम चेंज करा और याकूब से क्या कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा। याकूब का मतलब क्या होता है? धोखा देने वाला या छल करने वाला। परंतु उसने कहा कि अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। अब इज़राइल नाम का अर्थ क्या है? इज़राइल नाम का अर्थ होता है परमेश्वर से लड़ने हारा, यानी परमेश्वर से लड़ने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर से दूत के साथ उसने कुश्ती करी थी और इसलिए उसका नाम इज़राइल रखा गया और उसके नाम के आधार पर पूरी जाति का नाम इज़राइल पड़ गया। अब ये इज़राइल जो पड़ा, इसी तरीके से प्रगमन, जब हम प्रगमन के अर्थ को समझेंगे तब हम समझेंगे परमेश्वर उसके उससे क्या चाहता है, क्या मतलब है उसका। आज जो है, आज हमारे नामों के कुछ भी अर्थ हो सकते हैं, परंतु अब हमारे नामों के अर्थ का कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया है और हमें जो नाम दिया गया है कि वो नाम दिया गया है मसीह। मसीह जो नाम है, हम लोग कौन है? हम लोग मसीह लोग हैं। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए, मसीह का मतलब मसा किए हुए लोग, यानी हम लोग यीशु मसीह के लहू से और उसके पवित्र आत्मा से मसा किए गए लोग हैं और हम मसा किए गए लोग हैं, बचाए गए लोग हैं, इसलिए हम मसीह हैं। तो अब हमारे नाम का अर्थ, आपका नाम का अर्थ, चाहे फर्नांडिस हो, पैट्रिक हो या फ्रांसिस हो या साइमन हो, कोई भी नाम हो, राजेश हो, कोई भी नाम हो, कोई मायने नहीं रखता है इन नामों के अर्थ, क्योंकि अब हम मसीह हो चुके हैं, मसा किए हुए लोग, यानी अलग किए गए लोग हैं परमेश्वर के लिए। तो यहाँ पर प्रगमन की कलीसिया का जो मतलब है ऊंचाई या ऊंचा उठना, प्रशंसा करना, सम्मानित पद पर बैठाना, यहाँ पर जो दिया गया है सबसे ज्यादा जो इसका नाम का अर्थ है ऊंचाई, यानी ऊंचा उठना या प्रशंसा करना, ऊंचाई, यानी प्रगमन के लोग जो थे, देखिए कितने राजाओं ने राज करा, कैसी स्थिति और परिस्थिति में थे, मगर मसीही जीवन में वो बहुत ऊंचे उठते चले गए, बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने पकड़ा है मसीही जीवन में, या आत्मिकता में ले ली, या प्रभु के काम को ले लीजिए, उन्होंने बहुत ऊंचे पे उठाया, इसलिए प्रगमन का नाम जो है ऊंचाई या ऊंचा उठना जो है उसके नाम का अर्थ है। प्रगमन का जो समय काल मैंने आपको बताया, तीसरा जो पॉइंट है समय काल बताया, 313 एडी से लेकर 538 एडी तक रहा है। प्रगमन का जो समय काल रहा है लगभग 226 वर्षों का रहा है और आपने देखा इन 226 वर्षों में किन किन राजाओं ने राज किया है, किन किन राजाओं ने प्रगमन पर राज करा और प्रगमन के लोगों को किस तरीके से उनको अपने कब्जे में बनाए रखा, कैसे उन्हें स्वतंत्रता मिली, किस तरीके से परमेश्वर उनके साथ रहा है। तो ये प्रगमन का जो था इतिहास था, प्रगमन का जो था उसके नाम का अर्थ था, प्रगमन का समय काल जो था वो दर्शाया गया है कि क्या है। ये तीन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।